मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर गुरुवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में सरकारी एम्बुलेंस के सामने से आ रहे एक कंटेनर से यह जा भिड़ी। हादसे की सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग जिप्सी और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस के कंटेनर सवार घायलों को जिला अस्पताल में भेजा गया। यहां एक व्यक्ति की मौत की खबर की है और जबकि दो लोग घायल हुए हैं, दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें दिल्ली के हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। वहीं एक्सप्रेस वे पर ही विजयनगर क्षेत्र में एक हादसा और हुआ जहां पर रेत से ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली सुबह 5 बजे के तकरीबन पलट के जिसमें 6 लोग घायल हुए।